Let's start a new chapter, chapter 28, sports movies. So, यहाँ पर बच्चों हमें description दिया हुआ है, बताया हुआ है sports movies के बारे में और हमें उनके names लिखने हैं. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले number पर कौन सी movie है. This Oscar award winning film, इस film को Oscar award मिला था by Clint Eastwood. ये बनाई थी किसने? बाय क्लिंट ईस्टवुड द्वारा बनी थी. ये इज अबाउट अ बॉक्सिंग ट्रेनर. ये बॉक्सिंग ट्रेनर के बारे में है जो हेल्प करता है एक फीमेल बॉक्सर की उसके ड्रीम को अचीव करने में. और इस मूवी का नाम है मिलियन डॉलर बेबी. ओके, सो आगे चलते हैं. दिस मूवी इज सेट इन टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ये मूवी हमें दिखाती है जब उस टाइम को जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था. ओके, सो एक टीम थी विलेजर्स की, गांव वालों की, जिन्होंने क्रिकेट खेला था ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ. उस टाइम पर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ क्रिकेट खेला था. और वो क्यों खेला था? टू कैंसिल देयर टैक्सेस, ताकि उनके टैक्स माफ हो जाएं, उनका लगान माफ हो जाए. तो इस मूवी का नाम भी है लगान. ओके, तो नंबर थ्री पर है हमारे पास एन ऑर्फन बॉय फुलफिल्स हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर. एन ऑर्फन बॉय, एक अनाथ लड़का अपने ड्रीम को इसमें पूरा करता है और उसका ड्रीम है कि एक वो महान क्रिकेटर बने. और इस मूवी का नाम था चैन कुली की मैन कुली. कितने कितने बच्चों ने ये मूवी देखी है? बहुत मज़ेदार मूवी है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा चैन कुली की मैन कुली. ओके, आगे चलते हैं. इट इज़ अ 1976 फिल्म. ये फिल्म आई थी 1976 में बाय सिल्वेस्टर स्टैलन. इट टेल्स द रैग्स टू रिचेस स्टोरी ऑफ अ बॉक्सर. ये एक बॉक्सर की स्टोरी है कि कैसे वो नीचे से ऊपर आए, कैसे उन्होंने बुलंदियाँ छुई. और इस मूवी का नाम है रॉकी. नंबर फाइव पर है शाहरुख खान ने इसमें, शाहरुख खान जानते हैं आप, एक इंडियन एक्टर है वो बहुत बड़े, उन्होंने कोच का रोल प्ले किया था और उन्होंने कोच किया था इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को. और इस मूवी का नाम है चक दे इंडिया. तो चलिए आगे चलते हैं. एक्सप्लेन कर रही हूँ नंबर सिक्स से. दिस मूवी इज अबाउट रेसिंग. ये रेसिंग के बारे में मूवी है. ऑल दो द कास्ट इंक्लूड्स, इस कास्ट में भी टॉम ग्यूस, रियल रेसर्स लाइक रस्टी वॉलेस एंड लेट नील बोनेट ऑल्सो मेड स्पेशल अपेयरेंसेस. रियल रेसर्स ने इस मूवी में स्पेशल अपेयरेंसेस, मतलब थोड़ी थोड़ी देर का रोल किया था. ओके, और इस मूवी का नाम है डेज ऑफ थंडर. नंबर सेवन पर है फिर से एक ऑस्कर विनिंग मूवी जो कि बेस है ट्रू स्टोरी पर ब्रिटिश एथलीट्स की. और इस मूवी का नाम है चैरियट्स ऑफ फायर. नंबर एट पर है इट इज़ अबाउट फुटबॉल प्लेयर. ये फुटबॉल प्लेयर के बारे में है, जॉन अब्राहम. डिस्पाइट हिज इंजरीज सक्सीड्स इन टेकिंग द विनिंग गोल फॉर हिज टीम. अपनी इंजरी के बाद भी अपनी टीम के लिए उन्होंने अपने विनिंग गोल को पाया था, उसमें वो सक्सीड हुए थे. और इस मूवी का नाम है गोल. ओके, सो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है. आप प्लीज़ इसे दोबारा रीड करें और इसे लर्न करें. इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है.